अब आपको हम बताते हैं इसका टाइप नंबर थ्री, मतलब ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की फाइलें होती हैं। तो इसमें ग्रेड के अनुसार में सबसे नंबर एक पे है रफ फाइल। रफ फाइल क्या होती है? देखो, सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रेड में कैसे फाइलों को स्पेसिफाई करते हैं। ग्रेड का मतलब होता है जो हमारा फेस होता है इस फाइल का, इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितने दांते कटे हैं। आपको फिर से बता दें कि जो हमारा फेस है, इस फेस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, उस पर कितने दांते कटे हैं, ये तय करता है कि उसका ग्रेड। अगर अधिक दांते कटे होंगे, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लिया, उस पर अगर कम दांते कटे हैं तो जाहिर सी बात है वो फाइल जो है ज्यादा धातु काटेगी, अधिक मात्रा में धातु को काटेगी। अगर कम धातु ज्यादा दांते कटे हैं इस पर फाइल के फेस पर, तो वो फाइल क्या करेगी, कम मात्रा में काटेगी। तो आपको बता दें पहली जो है रफ फाइल। रफ फाइल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमारे 8 से 10 दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पे हमें अधिक मात्रा में धातु को हटाना है, मतलब अगर वहां पे हमें रफ तरीके से धातु को हटाना है अधिक मात्रा में, वहां पर हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसी में नंबर दो है बास्टर्ड फाइल। इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 10 से 12 दांते होते हैं। कितने? 10 से 12 दांते होते हैं। और इसका प्रयोग करते हैं वहां पे जहां पे हमें रफ फाइल से थोड़ी कम धातु हटानी है, मतलब अगर हम बात करें बास्टर्ड फाइल की, तो ये रफ फाइल से कम धातु को हटाती है क्योंकि दांते ज्यादा होते हैं प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। अगला आपका है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल जो होती है उसमें दांते होते हैं प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में 14 से 16 दांते। जैसे आप ये देख रहे हैं ये आपकी सेकेंड कट फाइल है, इसमें प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में 14 से 16 दांते होते हैं। अगर इसकी बात हम करें तो ये अच्छी फिनिशिंग देगी इन दोनों की अपेक्षा। अगर थोड़ी हमें मीडियम साइज की फिनिशिंग चाहिए होगी तो हम सेकेंड कट फाइल से फाइलिंग करेंगे। इसमें अगला प्रकार आपका जो है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल जो होती है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, मतलब कहने का मतलब यह है इसमें 20 से 24 दांते प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां पे हमें फिनिशिंग लानी है, अच्छी फिनिशिंग लानी है, वहां पर हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट इसमें है ग्रेड के अनुसार में डेड स्मूथ फाइल। ये फाइल ऐसी होती है इसमें 28 से 35 दांते प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कटे होते हैं। ये इस फाइल में सबसे अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर हमें सुपर फिनिशिंग करनी है तो हम डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में अधिक दांते होंगे, तो हमारी डेड स्मूथ फाइल जो है सबसे अच्छी फिनिशिंग करती है और इससे हमें बहुत अच्छी चिकनी सतह प्राप्त होती है। अच्छा अगला प्रकार जो हमारा है फाइल का, वो कट के अनुसार कितने प्रकार की फाइलें होती है बता रहे हैं आपको। पहला इसमें है कट के अनुसार में सिंगल कट फाइल। सिंगल कट में जैसा कि आपको हम बताएं कि कट का मतलब होता है, आप ये देख रहे हैं जो दांते होते हैं ये होते हैं, ये कहलाते हैं कट के अनुसार। अगर दांता देखो, इसमें एक दांता कटा हुआ है तो ये सिंगल कट हो गया, मतलब सिंगल प्रकार के दांते कटे हुए हैं। अगर इस तरफ भी कटे हैं और इस तरफ भी कटे हैं इस तरीके से, तो ये सिंगल कट ये हुआ, सिंगल ये हुआ, तो डबल कट फाइल हो गई है। तो सिंगल कट में क्या होता है, हमारा जो इंक्लाइंड एंगल होता है दांतों का, ये 60 अंश पे दांते कटे होते हैं सिंगल कट में। और डबल कट जो फाइल होती है उसमें 2 दांते कटे होते हैं, तो इस तरफ के कटे होते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कटे होते हैं। तो एक दांते हमारे जो होते हैं ये 70 अंश पे कटे होते हैं और दूसरे प्रकार के दांते होते हैं वो 51 अंश पे कटे होते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है स्पाइरल कट। स्पाइरल कट में क्या होता है, जो हमारी फाइल होती है उसमें दांते इस तरीके से उसकी सतह पर इस तरीके से कटे होते हैं स्पाइरल तरीके से। इसका प्रयोग हम जैसे कोई राउंड सरफेस है उसकी कटिंग के लिए करते हैं स्पाइरल कट फाइल का प्रयोग। और सिंगल कट और डबल कट फाइल का प्रयोग तो सामान्य सतहें हैं, जो समतल सतहें हैं उनके लिए करते हैं। अगली आपकी है रास्प कट। रास्प कट में क्या होता है, जो हमारी ये सतह होती है उस पर इस तरीके से उभार से बने होते हैं, देखा होगा आपने,
इसका प्रयोग करते हैं कार्पेंट्री शॉप में, बढ़ई इत्यादि करते हैं। इससे जो है हम बहुत ही नरम धातुएं काटते हैं, या फिर लकड़ी जैसे, तो लकड़ी में अधिकतर इसका प्लास्टिक फाइल का प्रयोग होता है। ये छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट से उठे होते हैं। अगली आपकी है कर्व कट फाइल। ये आप देख रहे हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो तो अर्धगोलाकार होता है, और इस पे जो दांते कटे होते हैं वो इस टाइप से कटे होते हैं, उसके दांते हैं इस तरीके से कटे होते हैं, और इसका प्रयोग भी सामान्य धातु को काटने के लिए करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कोशिश करते हैं कि आगे भी हम और अच्छे अच्छे बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।